से? सबसे पहले ये ना जो ये रेक्टेंगल शेप का बनाया गया है, दैट इज आयरन कोर। यहाँ पर तो जस्ट ये इस पे हम इसकी बाइंडिंग कर देंगे, ये कॉइलिंग कर दिए इस आयरन कोर पे। तो इस साइड जो बाइंडिंग करेंगे तो ये प्राइमरी हो गया, और इसके जस्ट अपोजिट यानी कि इस साइड में ये एक्चुअली हम इधर 3D डायमेंशन में, हम 3D में नहीं इसको रिप्रेजेंट कर सकते, दिखा सकते हैं, ये उसका दूसरा साइड कह सकते हो, राइट। तो ये जो है ये प्राइमरी कॉयल हो गया, ये हो गया सेकेंडरी कॉयल की कॉयलिंग। तो यहां से जो भी हम आउटपुट यानी कि सेकेंडरी कॉयल में हम आउटपुट गेन करते हैं, आउटपुट में मिलता है, और प्राइमरी कॉयल में हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम इसको ऑल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, राइट, एक्सटर्नल का। वही ये ऑल्टरनेटिंग एसी सप्लाई दिया है, राइट। तो ये है मेन चीज इसमें, तो और कोई ज्यादा नहीं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर है क्या, यहाँ पर नेम से आप समझ सकते हो, ट्रांसफार्मर इट इज ए डिवाइस विच चेंज द इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, दैट इज लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और वाइस वर्सा। इसको समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना तो शॉर्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ ही जाने हैं, है ना, लॉन्ग तो बनता ही बनता है। तो एक ऐसा डिवाइस की जो ऑल्टरनेटिंग, जो इसको हमने इनपुट दिए, अगर मान लो कि हमने 240 वोल्ट का हमने इनपुट दे दिया, राइट, यहाँ पर 240 वोल्ट का इनपुट दे दिया, लेकिन हमें जो कहीं रिक्वायरमेंट है वो 10 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है, और एसी ही रिक्वायरमेंट है, एसी ही रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप का कि दैट मीन्स कि अगर कहीं वोल्टेज कम आ रही है या फिर ज्यादा चाहिए तो उसको हम स्टेप अप कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं उसे, ट्रांसफार्मर से चेंज कर सकते हैं, और स्टेप डाउन यानी कि उसको हम कम कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, दैट इज लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और वाइस वर्सा, हाई को लो और लो को हाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को। राइट, हमने देखे होंगे कि हमारे घर में तो सप्लाई 240 वोल्ट आते हैं, राइट, लेकिन मोबाइल चार्ज के लिए हमने 240 वोल्ट थोड़ी यूज करते हैं, वो तो 5 वोल्ट का होता है, वो भी 5 वोल्ट का होता है, और भी कई सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो भी कम पावर के वो होते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसमें लगा रहता है, जो एडेप्टर जिसको हम कहते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल बहुत इसका इजी है, यहाँ पर मैं जो हम लोगों ने पढ़े थे म्यूचुअल इंडक्शन का टर्म, तो जो ट्रांसफार्मर है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या, कि यहाँ पर अगर आपने करंट प्रोवाइड किए तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, भी हम कह सकते हैं कि इंडक्शन, राइट। तो म्यूचुअल इंडक्शन ये हुआ, इसे कंस्ट्रक्शन हम बाद में करते हैं, ये आप याद रखिएगा कि म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल बेस्ड है जो ट्रांसफार्मर है, म्यूचुअल
दैवक डायग्राम शोज इट्स कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाए थे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में और सेकेंडरी में वो डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, एन एन नहीं कह सकते आप, यहाँ पर आपको एन वन और एन टू बोलना पड़ेगा, राइट, एन वन और एन टू आपको बोलना पड़ेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, वन इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड अनदर इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल विच आर वाउंडेड ऑन द मेटल शीट एज शोन इन द फिगर, मेटल शीट पे, इसको मेटल शीट पे ही वाउंड किया गया है, राइट, जो पहले मैं कंस्ट्रक्शन में बताया था, राइट, एज शोन इन द फिगर। कैसे वर्क करता है ट्रांसफार्मर, ये वर्किंग देखो जी, प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद द ऑल्टरनेटिंग सोर्स, जो ये जो आयरन रॉड था ये प्राइमरी कॉइल को हमने किससे कनेक्ट कर दिए थे, ऑल्टरनेटिंग करंट से, ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पर हम इसका आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। तो प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद द ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ये कनेक्टेड है प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू द चेंज इन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल। अब हमने यहाँ पर वोल्टेज चेंज की वजह से, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज चेंज की वजह से इस प्राइमरी कॉइल में क्या इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल विच इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, उस ईएमएफ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, राइट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। इस पैराग्राफ को आप समझिए, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात कर दी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, दैट मीन्स की मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक्ड होगा, दैट विल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, राइट, एंड दैट इज ड्यू टू चेंजेस इन दैट फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। सीधी सी बात है कि हमने कहा कि दो कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल को हमने एसी प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम चेंज करेंगे तो प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, है ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस कॉइल से इसके फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं तो पार्टिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन से पास होगा, दैट मीन्स कि हमने फ्लक्स की बात करती है, राइट, तो ये फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी दैट विल बी लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल एंड दैट चेंजेस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फ्लक्स होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज होगी और उस चेंजेस की वजह से इस कॉइल में भी, सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जो कि हम ये कह सकते हैं कि हमने तो केवल इसको प्रोवाइड किए थे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, बट इसमें जनरेट हो गया उसका सेम इंड्यूस ईएमएफ इसमें भी जनरेट हो गया, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन हुआ कि हमने चेंजेस तो कुछ यहाँ पर कर रहे हैं बट उस चेंजेस के वजह से, उस फिनोमेना की वजह से दूसरे भी उसके एडजेसेंट पार्ट में चेंजेज हो रहा है, राइट, देखो थ्योरी क्या है ट्रांसफार्मर का, लेट एनपी एंड एनएस आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रेस्पेक्टिवली, जो अपन कॉइल बना रखे थे कि ये प्राइमरी कॉइल है और इधर सेकेंडरी कॉइल है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स ये भी हमने बोले थे कि नंबर ऑफ टर्म्स दैट शुड बी डिफरेंट, दैट शुड नॉट बी सेम, तो हमने प्राइमरी का एनपी बोल दिए और सेकेंडरी का
एन एस बोल दिए, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, तो फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है प्राइमरी कॉइल का, दैट इज इक्विवेलेंट टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एनपी क्या हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, और फाई क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी, सिंपल फर्स्ट इक्वेशन। एंड द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दैट इज ईएस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी। फाई सेम रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स तो सेम ही है ना, बस केवल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर चेंज हो जाने हैं। तो जस्ट दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन आ जाना है, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, बाकी टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा।